छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासी समुदाय और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीतकर 15 साल से सरकार चला रही बीजेपी को हरा दिया था। कांग्रेस की इस रिकॉर्ड जीत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस ने 29 एसटी रिजर्व सीटों में से 25 सीटें जीत ली थीं और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 10 सीटों में से 7 उसके हिस्से में आई थीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में आदिवासियों और दलितों के लिए आरक्षित सीटों के अलावा 29 ओबीसी उम्मीदवार भी उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में 22 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें कांकेर जिले की सुरक्षित सीट अंतागढ़ से सिटिंग एमएलए अनूप नाग भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर तिवारी और इस वक्त मैं पखांजूर इलाके में हूं, जहां अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनूप नाग जी हमारे साथ हैं और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दिया है। ऐसी स्थिति क्यों आई, आइए उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा सर, क्यों ऐसा हुआ कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? कुछ स्थानीय षड्यंत्रकारी नेता जो हर चुनाव के वक्त ही झूठों का पुलिंदा बनाकर शिकायतबाजी करते हैं, जिसका मैं शिकार हुआ हूं, जनता की निर्देश पर उनकी प्रेरणा से मैं अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गन्ना किसान छाप पर चुनाव समर में हूं। आदिवासी बहुल इलाका है और पिछले बार कांग्रेस की स्थिति आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहुत बेहतर थी, अभी कैसा माहौल लग रहा है आपको जब आपने पार्टी छोड़ दिया है? मैं भी आदिवासी हूँ। मैं आपके माध्यम से उन नेताओं को कहना चाहता हूँ, उन प्रबुद्ध जनों को कहना चाहता हूँ कि जब जब कहीं सच की बात कोई आदिवासी करता है, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो चाहे शासकीय जीवन में हो, तत्काल एक्शन मूड में आ जाते हैं और किसी को सस्पेंड, किसी को बर्खास्त, किसी को निलंबित। ये दुस्साहस सिर्फ आदिवासी के साथ किया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 18 के चुनाव में कुरुद विधानसभा क्षेत्र से माननीय अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ हमारे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता नीलम चंद्राकर जी पार्टी से बगावत करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और धमतरी से युवा नेता आनंद पवार माननीय गुरमुख सिंह होरा के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसके वजह से माननीय गुरमुख सिंह होरा जी को पराजित होना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई निलंबित या अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई? नहीं हुई, बल्कि कुरुद से अभी उसी बागी कैंडिडेट नीलम चंद्राकर जी के धर्मपत्नी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। मैं जब आपके इलाके में कई लोगों से बात कर रहा था, खासकर आदिवासियों से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अनूप नाग ने सत्ता में रहते हुए हमारे हक में आवाज़ नहीं उठाई और आज जब उनके टिकट छीन ली गई है तब वो आदिवासी का राग अलाप रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद कई पार्टियां, कई सरकार आई, कई प्रतिनिधि आए, ऐसे कहने वाले पूछने वालों का ध्यान मैं उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कोई ऐसा नाम तो बता दे कोई जनप्रतिनिधियों का जो हमारी आदिवासियों की संस्कृति संरचना व्यवस्था के लिए कोई आवाज़ उठाया हो। आज कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा में देवगुड़िया गोटुल का निर्माण किया गया है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तेंदुपत्ता का बोनस का नकदीकरण की आवाज किसी ने उठाया है तो अनूप नाग ने। इतने बड़े फक्र के साथ कह रहा हूं। फिलहाल देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा है,
उनमें से कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूती से शायद छत्तीसगढ़ में ही लड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पार्टी का एक सुनियोजित और काफी संगठित चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी इस लड़ाई को गति दे रहे हैं। 28 अक्टूबर शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कांकेर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर आदिवासी बनाम वनवासी का मसला उठाया है। उन्होंने आदिवासी पहचान और अधिकार को जोड़ते हुए अपनी बात रखी। अब देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाइयों। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे, मतलब ये जो पूरी की पूरी जमीन है उनके ओरिजिनल मालिक जो इस देश में पहले रहते थे उनको हम आदिवासी कहते हैं। इस शब्द का मतलब, इस शब्द के अंदर छुपा हुआ मतलब कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए और आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, जो उनका जल है, जो उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसके हक आदिवासियों को मिलने चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तान के पुराने पहले मालिक हैं। ये है आदिवासी शब्द का मतलब। वनवासी का दूसरा मतलब है। वनवासी शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। वनवासी शब्द ये नहीं कहता है कि आपको हक मिलना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब यह है कि भैया आप लोग जंगल में रहते हो। आदिवासी पहचान को राहुल गांधी पहले भी अपने भाषणों में मुद्दा बना चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में आदिवासी बहुल बस्तर के एक जिले में राहुल गांधी की यह बात मायने रखती है, क्योंकि बस्तर में कुछ महीने पहले आदिवासी पहचान को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी। यहाँ पर ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों को निशाना बनाते हुए डीलिस्टिंग की मांग की गई थी। संघ और बीजेपी से जुड़े संगठन आदिवासी इलाकों में डीलिस्टिंग का मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश करते रहे हैं। आदिवासी बहुल कांकेर में राहुल गांधी ने तेंदुपत्ता के साथ साथ लघु वनोत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का वादा भी किया है। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2500 रुपए में की थी, अब हम उसको 4000 रुपए करने जा रहे हैं। आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो जंगल में उगते हैं, उसके लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा हम MSP देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से मोटे तौर पर जो वादा कर रही है उसमें जातिगत जनगणना, गरीबों को घर, धान की खरीद और कर्जा माफी है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी यह भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी तो उस समय पर आदिवासियों और गरीबों के सशक्तिकरण के कानून बनाए गए। इस सिलसिले में उन्होंने पैसा, वन अधिकार कानून, भोजन का अधिकार कानून और मनरेगा का जिक्र किया।
इसके अलावा उन्होंने मजबूती से जातिगत जनगणना की वकालत भी की है। कांकेर में राहुल गांधी जिस अंदाज में बोले वह निश्चित तौर पर प्रभावशाली कहा जा सकता है, लेकिन यहां सभा में मौजूद लोग और बस्तर के आम आदिवासी उनके भाषण और भूपेश बघेल के दावों के बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव कल खेतों में धान कटाई का काम करने गए थे और उन्हीं से प्रेरित होकर हम भी धान के खेत में आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं, ये बताएंगे कि इस चुनाव में जो सरकार ने वादा किया है उस पर इन किसानों को कितना भरोसा है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम संजीत विश्वास है, मैं PV42 का हूँ। आप बताइए कि आपको कितना यकीन है इस सरकार के वादे पर जो इन्होंने धान खरीदी को लेकर किया है? देखिए, कांग्रेस सरकार जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं। जैसे 15 साल बीत गए हैं, बीजेपी सरकार बहुत सारे वादे किए थे हमारे किसान के ऊपर, कोई वादे का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार जो वादा किया है, जैसे हमारा कर्जा माफ़ हो गया, धान का कीमत बढ़ाया, उसके बाद पत्ता का जो है तेंदू पत्ते के उसके भी रेट बढ़ा दिए, तो हमारा कांग्रेस सरकार पर पूरा पूरा भरोसा है। और इस बार जो चुनाव में हमारे माननीय राहुल गांधी जी भानुप्रतापपुर में आए थे, तो वहाँ दो चार वादे किए हैं और वो वादा हम लोगों का पूरा यकीन है कि सरकार अगर हमारे कांग्रेस के बनते हैं तो 100% ये वादा पूरा होगा। जैसे कि हम लोग किसान आदमी हैं, हमारा सबसे बड़ी चीज़ है धान का सही मूल्य मिलना चाहिए, और दूसरी बात तेंदुपत्ते की। हमारा किसान का यही दो चीज़ हम ज़्यादा ही मतलब ई लेते हैं, तो तेंदुपत्ता के भी रेट इस साल बढ़ा दिए हैं। लोन माफ़ी की बात भी की है भूपेश बघेल ने, अगर सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा, तो ये आप किसान लोगों को इसका कितना भरोसा है, इस पर देखिए फ़ायदा होगा? जैसे हम किसान हैं, हम लोग तो कर्जा लेते हैं सरकार से, अगर हमारा लोन माफ़ हो जाए तो इससे बड़े खुशी की बात और क्या हो सकते हैं। और दूसरी बात जो है हमारा यहाँ बड़ाई के, हमारे के यहाँ क्या है आदिवासी इलाका है, गावटी इलाका बोलते हैं, यहाँ कोई बच्चे इंग्लिश क्या है नहीं जानते हैं। हमारे कांग्रेस सरकार आने के बाद ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह चालू कर दिए हैं, और जो कॉलेज की बात वो भी घोषणा हो गया, इस बार अगर कांग्रेस सरकार बनते हैं तो कॉलेज में भी वो चालू हो जाएगा। तो इतने सारे हमारा मतलब गरीब किसान के लिए जो कर रहे हैं, तो इससे ही हमारा फायदा है, हमारा लाभ है, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे। कांग्रेस सरकार जो भी वादा करते हैं सही सही उसका पूरा करते हैं। तो कांग्रेस के वादों पर किसान बोल रहे हैं कि हमें भरोसा है करके, लेकिन यहाँ महिला किसान भी मौजूद हैं, उनकी क्या राय है इन सब मामलों को लेकर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अभी घोषणा किए हैं 3200 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य जाएगा रेट करके, बताएंगी? अच्छा, तो शर्मा रही हैं कैमरे के सामने, और भी महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आपको भरोसा है सरकार 3200 रुपए बोल रही है रेट हो जाएगा करके? भरोसा तो है, भरोसा है। और तेंदू पत्ता का रेट 4000 जाएगा, उस पर क्या कहेंगी आप? अच्छा बात है भरोसा रेट बढ़ाने से? हाँ है। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ये महिला मतदाता साइलेंट वोटर हैं, इन्हें पुरुषों के मुकाबले मुद्दों की समझ ज़्यादा है और ये जानती हैं कि कैसे निर्णय लेना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाहिर है उससे कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए इस राज्य में बहुत मुश्किलें नजर नहीं आ रही हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जिन 68 सीटों पर चुनाव जीता था उसमें से कम 30 सीटें ऐसी थी जिन पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिला था।
इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि उसकी जीत में एक बड़ा भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का रहा था।